आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आप लोग जानते होंगे कि हर वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इस दिन हार्ट डिजीज के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हम लोग ये जानना यह बहुत जरूरी है कि कैसे अपने देश में हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग एक साइलेंट किलर के रूप में सामने आ रहा है, और इसीलिए मैंने भी यह जरूरी समझा कि आप लोगों तक यह बात शेयर करूं। सर्वे आया है जो बहुत डरावना है और बहुत सावधान करने वाला हर उस व्यक्ति के लिए जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है। सर्वे यह है कि अपने देश में जो हृदय रोग से मौतें हो रही हैं, उनमें से ऐसे लोग की संख्या बहुत अधिक है, यानी 50% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। अगर उदाहरण के लिए बताऊं आपको, तो अगर 100 लोग मान लीजिए डेथ हो रही है हृदय रोग के कारण, तो उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और 25 लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। तो इस उम्र में अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो निश्चित रूप से सबको सोचना चाहिए और कारणों पर विचार करना चाहिए। अभी तक हम लोग सोचते आ रहे थे कि ये अधिक उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम होती है और जो हार्ट अटैक या ऐसी चीजें होती हैं अधिक उम्र के लोगों को होती है, लेकिन आप भी अब आसपास अपने सुन रहे होंगे कि कैसे किसी यंग पर्सन को, किसी नौजवान को, जो नौजवान है बहुत अधिक उम्र नहीं है, उनको भी हार्ट अटैक हो गया, उनको बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनके जो है हार्ट में ब्लॉकेज आ गई। ये समस्याएं आप सुन रहे होंगे, और अगर आप भी देख रहे होंगे कि चीजें बदल रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ आप भी ऐसा कुछ देख रहे हैं। एक सर्वे तो ये भी आया है कि जितनी भी डिजीज के कारण, उसमें कैंसर और साइड डिजीज सब कुछ है, मौतें हुई हैं, उनमें से 28% यानी 28% जो लोग हैं वो हार्ट प्रॉब्लम के कारण उनकी मृत्यु हुई है। यानी अगर 100 लोगों की डेथ हो रही है अलग अलग बीमारियों के कारण, तो उसमें 28% ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु सिर्फ हृदय रोग के कारण हुई है। तो ये सतर्क रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कैसे सतर्क रहना है और क्या करना है। अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि ये चलिए डेवलप्ड कंट्री में डिजीज है, लेकिन आप सोच करें चौंक जाएंगे कि जो रिसर्च आया है आईसीएमआर का और लैंसेट का, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करने वाली अपने वहां संस्था है, उनमें आया, उन्होंने सर्वे किया है, तो कहा है कि अमेरिका में अगर एक व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम के कारण मर रहा है, तो अपने देश में वो 4 लोग ऐसे मर रहे हैं। चीन में अगर एक मर रहे हैं, तो अपने देश में 6 हैं, और जापान की तुलना में तो यहां 20 गुना खतरा अधिक है। रीजन क्या है आप भी जानते होंगे, और फिर सोचना जरूरी है कि जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, ये समस्या आ रही है। आप जानते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम या हृदय रोग वायरस या बैक्टीरिया या ऐसे कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, इसका सीधा संबंध हमारे लाइफ स्टाइल से है, जीवन शैली से है, और जब तक हम अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। और आजकल युवाओं में हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह चेंज हुई है, काम करने के घंटे बढ़े हैं, डे नाइट शिफ्ट और डिब्बा बंद भोजन, घर के खाने से दूर, और जो आजकल फैशन में भी पार्टी कल्चर बढ़ रहा है, इन सब कारणों से ये खतरा बढ़ा है। और आप जान रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि हृदय रोग क्यों हो रहा है, उसमें खान पान को, हमारे गलत खान पान की आदतों को सबसे अधिक जिम्मेदार माना गया है। 56% कारण ये है कि लोगों का खान पान बदला है, और 54% हाई ब्लड प्रेशर को माना गया है कि 54% हाई ब्लड प्रेशर यानी मेंटल टेंशन के कारण ऐसा हो रहा है। तो तनाव अलग अलग कारणों से होता है, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं और आप ही मैनेज कर सकते हैं। भोजन भी बहुत आसानी से बदला जा सकता है। हम जानते हैं कि जो आजकल एक फैशन सा हो गया है, एक फोन कॉल पे आधे घंटे में आपका मनचाहा भोजन आपके घर पे पहुंचा रहा है, ऐसी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जिस किचन में बनाया जा रहा है और जिस तरह के आइटम्स को उसमें मिलाया जा रहा है, क्या हमारे लिए हेल्दी है? टेस्टी तो बहुत है, लेकिन क्या हेल्दी है? तो आप पाएंगे कि नहीं, सीधे सीधे नुकसान कर रहा। फास्ट फूड हमारे लिए हमारे हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितने जल्दी हो सके फास्ट फूड को छोड़िए। जितना फास्ट फूड हम खाएंगे, उतना ही फास्ट हमारी लाइफ होती जाएगी और हमारे जो यहां से बीमारियों का आने का जो सिलसिला है, उतना ही फास्ट हो जाएगा। आपके घर की रोटी सब्जी कहीं अच्छी है, कई गुना अच्छी है बाहर के रेस्टोरेंट के भोजन से। आपको नहीं पता कि अंदर उनके किचन में जो रेस्टोरेंट है या फिर जो आप फोन से मंगा लेते हैं भोजन जो आधे घंटे में पहुंच जाता है, उस तरह के किचन में, उनके किचन में किस तरह उस फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में टेस्ट मेकर हैं जो टेस्ट हमारे बढ़ा देते हैं, भोजन के स्वाद को बढ़ा देंगे, लेकिन बीमारियां सीधे सीधे लाएंगे। आजकल देखिए, जो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर, आंतों में सूजन, ऐसी समस्याएं बहुत लोगों को होती जा रही हैं, खास करके यंग जनरेशन को। तो इनसे जितने जल्दी हो सके फास्ट फूड को नमस्ते करिए, फास्ट फूड को दूर करिए और घर का भोजन करिए। फास्ट फूड को या पार्टी कल्चर को अपने स्टेटस सिंबल से ना जोड़िए।
नहीं तो ये कहीं कहीं हमारे हेल्थ को बर्बाद करके रख देगा। एक बात और, शाकाहार आपके लिए सबसे अच्छा है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि भाई मेरे घर में हफ्ते में अगर दो दिन मीट या फिर मटन ना बने तो मेरा चलता नहीं है, और इसको लोग अपने स्टेटस से भी जोड़ते हैं कि भैया हमारे घर में तो बिना इसके चलेगा नहीं। तो उनसे पूछिए कि जब थोड़ा उनकी उम्र अधिक होती है तो उनके घर में मोटापा अधिक होगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम उनको आनी आनी है, एसिडिटी गैस्ट्रिक की बात तो एकदम नॉर्मल सी है कि होगा, उनको बहुत लोगों का होगा, और आजकल यूरिक एसिड बढ़ना और आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर का होना सामान्य बात उनके घर में हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने भोजन में खान पान में जितनी जल्दी हो सके बदलाव करें, देसी भोजन अपनाएं। हमारे गांव का जो भोजन था बहुत हेल्दी था, फिर से उसकी तरफ जाइए। और आप देख रहे होंगे आजकल माल्स में जो मोटे अनाज हैं, पुराने कल्चर लौट रहा है। दूसरी बात, आपने आपको फिट रखने के लिए आपको योग या फिर और कोई व्यायाम करना पड़ेगा अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो, क्योंकि योग न सिर्फ आपको मेंटल पीस देगा, आपके तनाव को, आपके डिप्रेशन को कम करेगा, बल्कि आपको ओवरऑल फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखेगा। और योग की जो इम्पोर्टेंस आजकल किसी से छुपी हुई नहीं है, दुनिया पूरी जान रही है कि योग से कितना फायदा होगा। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने पूरे फैमिली को हेल्दी रखने के लिए अपने भोजन में बदलाव करिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपको जो आपका जो मेंटल पीस है वो बरकरार होना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, और इन सब के लिए योग से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। अपना भोजन सुधार लें और प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट अगर आप योग करें, जिसमें आसन भी हो, प्राणायाम भी हो, और किसी एक्सपर्ट से सीखें, तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप पहले से भी चीजों को समझ रहे थे, बट फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन जितनी जल्दी आप फॉलो कर देंगे उतना ही हम सब के लिए हित में होगा, और अपने आप को, हम अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे। नमस्ते, जय हिंद।